में बीजेपी की चुनावी तैयारियों की, जो अब एक अलग ही अंदाज में चाय की चुस्कियों को लेकर आगे बढ़ रही हैं, यानी चाय की चुस्कियां भरती हुई ये तैयारियां अब आगे बढ़ रही हैं। सीएम को चुनावों की चाय वाली तलब लग गई है, उनकी ये कोशिश चुनावी मंशा वाली है। वैसे चुनावी अंदाज ये उनका नहीं, हरियाणा के ही एक पुराने सियासी दिग्गज का है। आखिर कौन था वो जिसकी राह पर मनु काका निकल पड़े हैं, देखें इस रिपोर्ट में। हरियाणा सूबे के मुखिया मनोहर लाल साहब को इन दिनों चाय की जोरदार तलब लगी है, ये सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे। चौंक हम भी गए थे, लेकिन इसके पीछे की मंशा का अंदाजा लगाकर हमारी हैरत कुछ कम हुई। चर्चा ये है कि हमारे मनु काका चाय की इन 12 प्यालियों से सियासी सेहत को और भी उम्दा करने की कोशिश में हैं। सीएम साहब वैसे तो बड़े सादगी पसंद हैं, हमने सुना है कि वो आहार भी बड़ा संतुलित लेते हैं, लेकिन चाय के लिए अचानक जगी उनकी ये तलब मौके की नजाकत की ओर इशारा कर रही है। जाहिर है इन चाय के प्यालों की हर चुस्की के पीछे एक खास मंशा है, और वो मंशा जुड़ी है चुनावों से, जिसकी कसरत में इन दिनों सीएम साहब खूब मशगूल हैं। सरकार के कार्यकाल को अगले कुछ महीनों में 4 साल पूरे हो जाएंगे, ऐसे में सियासी घड़ी ये बता रही है कि चुनावी तैयारियों में तेजी लानी चाहिए, लिहाजा सत्ता की हॉट सीट पर वापस बैठने के लिए कोशिशें परवान चढ़ाई जाने लगी हैं। जनता से संपर्क साधने और कार्यकर्ताओं के जोश के गुब्बारे में हवा भरने की कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री साहब 2019 के लक्ष्य को भेदने की मंशा के लिए मैदान में खूब समय बिता रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच फ्लाइंग विजिट और उनके साथ चाय की गर्मा गर्म प्याली उनमें गर्म जोशी भरने का काम कर सकती है। सीएम साहब ये बात बेहतर समझते हैं, इसी उद्देश्य के साथ सीएम साहब खूब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अपना लाव लश्कर लेकर वो जैसे ही अलग अलग गांव में तय कार्यक्रम के मुताबिक पहुंचे, वहां खूब गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत हुआ। वैसे अलग अलग हलकों में किसी किसी बहाने से अपनी मौजूदगी को बनाए रखने और स्थानीय लोगों से नजदीकी कायम करने का यह तरीका भी क्या खूब है। वैसे ये अंदाज सियासत सीएम मनोहर लाल ने नहीं शुरू की। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भजन लाल इनेलो के शासनकाल में ऐसा करते रहे हैं, लेकिन वो ये टी पार्टी और जरा सधे हुए अंदाज में किया करते थे। इसी बहाने वो अलग अलग हलकों में नुक्कड़ सभाएं भी अक्सर किया करते थे, इसी वजह से उनकी छवि एक बड़े मिलनसार नेता के तौर पर उभरी थी। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी बहू रेणुका बिश्नोई भी पिछले दिनों पूर्व बिजली मंत्री अतर सिंह सैनी के घर पर अचानक चाय पर पहुंची थी, और उन्होंने एक नई तरह की सियासी सुगबुगाहट को हवा दी थी। चाय की मीठी चुस्कियों के साथ चुनावी मंशा वाली हाय हेलो कारगर साबित होती रही है, लिहाजा सीएम साहब भी इसे आजमाने के लिए निकल पड़े हैं। संभावना है कि आगे भी इस तरह की फ्लाइंग विजिट कर वो जनता के बीच पहुंचे, उनकी उम्मीदें शायद परवान भी चढ़ें, लेकिन कारगर कितनी होंगी उसकी पैमाइश चुनावों में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।